हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और उम्मीदवारों पर मंथन भी शुरू कर दिया है। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू कर दी है, जो कि 4 दिनों तक चलने वाली है। इस दौरान कांग्रेस हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा करने वाली है, जिसके बाद कांग्रेस विधानसभा सीटों पर 1 से ज्यादा संभावित उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर सकती है। बता दें कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अजय माकन और मनिक टैगोर के नेतृत्व में हो रही है, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के नेता समेत पार्टी हाईकमान भी मौजूद रहने वाला है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में विधानसभा सीटों पर कम से कम 2 नाम और ज्यादा से ज्यादा 4 नाम फाइनल किए जाने वाले हैं। इसके बाद उम्मीदवारों की ये सूची सीईसी के पास भेजी जाएगी, जहां सीईसी उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करने वाली है और फिर उसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भेजा जाएगा, जहाँ अध्यक्ष की मुहर लगने के बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कांग्रेस की लिस्ट आएगी कब। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सितंबर के पहले हफ्ते में हरियाणा कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस बार बीजेपी समेत तमाम दलों ने कांग्रेस की टिकट बंटवारे पर नजर बनाई हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के ऐलान होने से पहले ही कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चा ने जोर पकड़ा हुआ था, जब भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा अलग अलग यात्राएं निकाल रहे थे। ऐसे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी के चलते कुछ नेताओं का टिकट भी कट सकता है। ऐसे में कांग्रेस की विपक्षी दलों की उन नेताओं पर नजर रहने वाली है जिनका कांग्रेस टिकट काटने वाली है। बता दें कि 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान जेजेपी ने भी यही काम किया था, जहां उन्होंने बीजेपी कांग्रेस के उन नेताओं पर नजर बना के रखी थी जिनका टिकट कट गया था और बाद में जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में भी उभर कर निकली थी, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि इस विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी का बीजेपी से गठबंधन टूट गया था। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस बार किन मौजूदा विधायकों की टिकट काटने वाली है। साथ ही ये भी देखना होगा कि जिन विधायकों का टिकट कटता है वो कांग्रेस छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होते हैं या नहीं।